इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने एक सवाल ये है कि रमजान में आधा कुरान पढ़ा हो या पूरा ना किया हो, यानी आधे से ज़्यादा पढ़ो पूरा ना किया हो तो क्या किसी शख्स को बख्श सकते हैं? असल में रमज़ान तो अभी है नहीं, लेकिन सवाल इम्पोर्टेंट है। साहिल ने ये पूछा है कि जो कुरान पाक हम मुकम्मल करते हैं रमज़ान में शुरू करते हैं, वो रमज़ान में मुकम्मल नहीं हो पाता और आधा रह जाता है, तो क्या या कुछ पारे ही शुरू करते हैं और फिर बाद में उसको मुकम्मल नहीं कर पाते, तो क्या ऐसी सूरत में उस कुरान पाक को किसी को बख्शा जा सकता है? जी हाँ, ऐसा कुरान पाक जितने पारे पढ़े गए हों उतने पारे बख्शे जा सकते हैं। गालिबन मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखी है, आप एक मरतबा रमज़ान और रोज़े की प्लेलिस्ट देखें तो उसमें कुरान पाक को बख्शने के ताल्लुक से या फिर रमज़ान में कुरान पाक आधा या पूरा पढ़ने के ताल्लुक से वीडियो मौजूद होगी। तो अगर किसी ने कुरान पाक शुरू करा, एग्ज़ाम्पल के तौर पे 10 पारे करे और रमज़ान में पूरा नहीं कर पाया, तो उस कुरान को रमज़ान के बाद आगे भी जो है वो पढ़ा जा सकता है, वहीं से उसको आगे शुरू किया जा सकता है। और चाहे कि रमज़ान ही में पढ़ने का सवाब ज़्यादा है तो इन पारों को पहले बख्श दे तो सिर्फ 10 पारों का इसाले सवाब कर सकता है अपने मरहूम के लिए या फिर सारी उम्मत के लिए कि अल्लाह ताला जो मैंने ये 5 पारे 10 पारे इस रमज़ान में तेरी तौफीक से पढ़े इनका जो है मैं इसाले सवाब दूसरे मुसलमानों की बारगाह में करता हूँ, तो उन पारों का भी जो है वो इसाले सवाब किया जा सकता है। मतलब ये कि अगर आपने एक पारा भी पढ़ा है तो उसको इसाले सवाब किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये ख्याल कि जब तक कुरान पाक मुकम्मल नहीं होगा उसका इसाले सवाब नहीं किया जा सकता, ये गलत है। कुरान पाक मुकम्मल ना हो तब भी उसका इसाले सवाब किया जा सकता है। पत्थर में हसन लाले पुरनवा